हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन हेयर फॉल्स के बारे में। आज मैं कोई आपको टिप्स नहीं बताने वाली, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की रिव्यू बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल हो चुके हैं इसे मार्केट में आए हुए, लेकिन इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका, ये सब इस ऑयल पे डिपेंड करता है। और ये ऑयल हमारे बालों को क्या सही में हेयर फॉल होने से रोकता है या फिर सिर्फ बकवास है? आइए जानते हैं इसकी पूरी रिव्यू, इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि मैं पूरे 1 साल से इस ऑयल का इस्तेमाल लगातार कर रही हूँ। हाँ, बीच बीच में मैं दूसरे ऑयल का भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसे रेगुलर, ऐसा नहीं है कि मैं इसी ऑयल पर डिपेंड रहती हूँ, मैं बहुत सारे ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस तेल को मैं 1 साल से, मतलब कि कभी ना कभी यूज़ ज़रूर कर लेती हूँ। इसका मैं आपको पूरा रिव्यू बताने वाली हूँ। तेल है फ्रेंड्स ये इंदुलेखा, आप देख पा रहे होंगे फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रहा है, इसीलिए आपको इसका नाम उल्टा दिख रहा होगा। इंदुलेखा हेयर भृंगराज ऑयल इसका नाम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 1 साल फ्रेंड्स, 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, क्योंकि जून महीने से ही इसके जो मार्केट में इसकी जो ऐड शुरू हो चुका था, लोग इसको बहुत ज़्यादा लोग खरीदने भी लगे थे। लेकिन मैं आपको अब जाके इसका रिव्यू क्यों दे रही हूँ, इसके पहले मैंने इसका रिव्यू क्यों नहीं दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ की रिव्यू तभी करनी चाहिए जब वो प्रोडक्ट आप अपने ऊपर पूरी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसका क्या गुण है, क्या उसकी जो उसमें मतलब खासियत है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अवगुण क्या है, ये सब हम उसे बता सकें। फ्रेंड्स, ऑयल है इंदुलेखा भृंगराज ऑयल है, जैसे कि नाम से मेंशन ये हो रहा है आयुर्वेदा ऑयल है, ये आयुर्वेदिक है भी, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं वह कुमारी, दक्षता, भृंगराज, आंवला, अकृता, वदाधा, यष्टि, निम्बा, ब्राह्मी, कर्पूरा, नीलकीरा और कश्मीरा, ये बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ इसमें इस्तेमाल है। और आपको इसमें कहीं भी आर्टिफिशियल चीज़ें फिर केमिकल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया गया है। प्राइस की बात करें तो ये 432 रुपये इसकी प्राइस है। फ्रेंड्स, 432 रुपये 100 ml के लिए काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा ऑयल है ये। और इसकी जहाँ तक पैकेजिंग की हम लोग बात करते हैं, इसकी पैकेजिंग हम देख पा रहे होंगे, इसकी पैकेजिंग जो है ये अप्लाई करने के लिए जो इसका एप्लीकेटर जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें होल्स बने हुए हैं जो कि इससे ऑयल निकलता है। आप लोग को दिखाने के लिए मैं गिराती हूँ, देखिए ये देखिए, इससे ऑयल भी ये निकला मेरे हाथों पर। इससे ऑयल निकलता है जो आपकी आपके बालों पर से अप्लाई करने के लिए बहुत ही ये अच्छा होता है, डायरेक्ट जड़ों में ये तेल पहुंचता है। पैकेजिंग की बात करें इसकी तो ट्रेवल फ्रेंडली ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे अपने लगेज में या फिर आप अपने कपड़ों के साथ अगर आप इसे पैकेजिंग करके कहीं ले जा रहे हैं तो आपके कपड़ों की धजियाँ उड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से सब में चिपक जाएंगे। ये ट्रैवल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ले आएँ मार्केट से, बालों में अप्लाई करें, घर के किसी कोने में रख दें। लिखा भी है इसमें कि इसे डार्क प्लेस ही चाहिए जहाँ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं हो, फिर अप्लाई करें, फिर वहाँ रख दें। इन्हें कहीं भी ढोकर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लुढ़केंगे भी और सामानों की भी तहस नहस करेंगे। दूसरी बात की बात हो गई पैकेजिंग की ये, लेकिन अगर आप जब भी इसे अप्लाई करोगे ना, यहाँ से यहाँ जो ये आपको यहाँ पर ये खुल भी जाता है, अब देखिए ये ऐसे ये खुल भी जाता है, तो आप जब भी इसे अप्लाई करोगे तो यहाँ से लीक होता है ऑयल यहाँ से लीक भी होता है, जो कि बिल्कुल वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इस ऑयल की। ये सब बात हो गई इसकी पैकेजिंग की, इसकी बाहरी गुणवत्ता की। अब इसकी अंदरूनी गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं कि क्या सही में ये अच्छा ऑयल है। ऑयल जो है आयुर्वेदिक ऑयल है, मैंने इसे 1 साल से अप्लाई कर रही हूँ। मैं इस ऑयल को हल्का गुनगुना करके भी मैं इस ऑयल को अप्लाई करती हूँ, लेकिन मेरा जो हेयर फॉल्स का जो प्रॉब्लम था इस ऑयल से कम, मतलब कि ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे 100% हेयर फॉल हो रहा है। तो ये इसे जैसा कि दावा करता है कि आपके 99% बालों का झड़ना रुक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ समय तक के लिए या फिर कुछ मेरे बालों का झड़ना इसने कम किया, जैसे 50%, पर 99% तो बिल्कुल भी नहीं, इतने परसेंट ही बालों का झड़ना रोकेगा।
बाकी आपके बाल झड़ते रहेंगे जब तक आप किसी और चीज़, मैं जो अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए अपना होममेड चीज़ ही अप्लाई करती हूँ, होममेड बनाया हुआ ऑयल, अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और इन स्क्रीन में भी लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए ठीक है, ऑयल भी ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे हेयर्स पे ये सूट नहीं किया तो आप पे भी सूट नहीं करेगा, इस्तेमाल करके देख लीजिए। लेकिन आप इसके एक और इससे छोटी वाली 50 ml की भी आती है, आप वही पहले से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं जब ये ख़रीदने गई थी तो मुझे 50 ml वाला नहीं मिला था, नहीं तो होगा, उस समय मार्केट से शॉर्ट आउट हो गया था, नहीं था, ये 100 ml का ही मुझे लेना पड़ा। मैं भी सिर्फ डेमो करने के लिए ली थी कि क्या मेरे बाल इसे झड़ना रुक रहा है कि नहीं। मेरे बालों का झड़ना इसने बिल्कुल भी नहीं रोका। ठंड के दिनों में तो और बेकार है इसका यूज़ करने, क्योंकि ऑयल जम जाता है। आप हाँ, अगर आप हल्का सा गुनगुना करोगे तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन ठंड के दिनों में ये जम भी जाता है। सो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और ठंड के दिनों में फिर ये जमने के बाद इससे ऑयल नहीं निकलेगा, आपको इसे निकाल कर कटोरी में निकाल कर उसे गर्म करके ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे कि इससे हम बालों में लगाएं, नहीं हो सकता है, गर्मी के दिनों के लिए बहुत अच्छा है। महक की बात करते हैं, महक आपकी इसकी जो है, इस ऑयल की महक अपने बालों में अप्लाई करोगे, बहुत स्ट्रांग महक है इसकी। स्मेल जो है गंदी नहीं है, बदबू टाइप की नहीं है, खुशबू ही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग खुशबू है। लगाने के बाद अब 2 दिनों तक इसे, या फिर रात भर, मतलब रात भर अपने बालों में आप इसे लगा कर छोड़ोगे तो, मतलब एक होता है ना कि सबके लिए, मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों की सिर दर्द की भी प्रॉब्लम इससे आ जा रही है। बहुत सारे रिव्यू आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर, आप देखिए, ये देखिएगा इंदुलेखा के बारे में है, इसे अगर जिन जिन लोगों ने 2 रात 3 रात लगा के रखा उनके बालों में सिर दर्द की प्रॉब्लम आ गई। स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। सो इसे मसाज करने के बाद आप वॉशिंग कर लीजिए 2 घंटे के बाद, वही ठीक है, ज़्यादा देर से बाल में लगाने भी ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, बालों का झड़ना इसने ज़्यादातर तो मेरा नहीं रोका है, लेकिन हाँ, आप इसकी पैकेजिंग की बात करें तो सब ठीक ठाक है, और 1 साल से ज़्यादा हो चुका, 1 साल होने वाला, लेकिन ये ऑयल मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ऑयल का इस्तेमाल मैंने कितना किया है, क्योंकि जो चीज़ आपके बालों का जो मेन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व ही नहीं करेगा, तब उसे कैसे इस्तेमाल करोगे। इसकी जगह तो मैं अपना जो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ वो मेरा बहुत अच्छा है। सो हाँ, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने ऑयल को इसी में, इसी एप्लीकेटर में डालकर लगाऊंगी, जो मेरे बालों को अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ठीक है, बाकी सब ठीक है, सो ठीक ही है। सो फ्रेंड्स, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने बालों पे यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन डेमो के लिए 50 ml की ही बोतल आप इस्तेमाल कीजिए, 100 ml की नहीं। एक तो ये किफ़ायती भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे में ये जो है लुढ़कता है अप्लाई करने पर, इसका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का रिव्यू, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट की रिव्यू चाहिए जो मैं आपके लिए ला सकूँ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।